स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो चार स्टॉक्स में सातवां केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, इसमें गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है बाई कॉल के साथ, 1900 का टारगेट है। उनका यह कहना है कि चौथी तिमाही में इन्होंने अपने गाइडेंस को बीट किया है और 18-22% की ग्रोथ का टारगेट दे रहे हैं। ये कंपनी काफ़ी कुछ प्लान कर रही है, ईसॉप वगैरह भी दे रहे हैं, उसको भी एडजस्ट कर लें तब भी इम्प्रूवमेंट रहेगा FY25 में, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है अल्ट्राटेक, यहाँ पे चार रिपोर्ट्स आई हैं और किसी की भी रिपोर्ट 11,500 से कम नहीं है टारगेट, इस तरह के लक्ष्य लोग दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा वाले प्राइस वाली रिपोर्ट है 11,600 की, जो मॉर्गन स्टैनली की है। उनका ये मानना है कि इन्होंने अपने नतीजे न सिर्फ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से बीट किए हैं, आगे गाइडेंस भी बहुत बढ़िया दी है और बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। जितने कैपेक्स इन्होंने किए हैं अब तक वो सब फलीभूत होते हुए दिख रहे हैं, तो इसको भी रखिए ग्रीन में। 9th स्टॉक है PNB हाउसिंग, इसमें भी नतीजों के बाद ओवरवेट की कॉल है, टारगेट बढ़ा के 1025 कर दिया गया है और स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट इसमें दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे इन्होंने किए हैं, तो इसको भी ग्रीन में। और 10th स्टॉक है GSCL, ये मैंने इसलिए रखा है कि भाई सोडा इसकी इतनी लंबी कहानी सुना रहे थे आशीष जी, टाटा केमिकल की तो सोडा इसका प्लेयर तो ये भी है GSCL भी, तो इसको रेडी में रख के चलते हैं। 10 हो गए मेरे। ओके, हाँ एकदम फटाफट निपट रहा है। अच्छा, अगले चार स्टॉक्स में रख दिया आप लोग, सिर्फ वॉच आउट करेगा, बट ये स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं, ये फंडामेंटली पसंद आते हैं लेकिन थोड़ी सी निगलिंग वरीज है। उनमें से एक है लिंडे इंडिया, इंडस्ट्रियल गैसेस वाली कंपनी। इसके जलवे बदले थे जब सबको इसकी ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस पता चली थी कोविड टाइम पर, इंडस्ट्रियल गैसेज ऑक्सीजन तो बहुत छोटा पार्ट है। लिंडे इंडिया को रेडाप रखेगा और ये तो खैर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे जाने जाती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी, अपडेट्स आए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के वायलेशंस प्रोब कर रहा है, की पर्सनल इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को समन्स इश्यू करे गए हैं। और भाई जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन की तरफ बढ़ेगा तो कोई पुनिटिव एक्शन कंसिडर किया जाएगा। खैर यह मामला है, रिलेटेड पार्टीज थी इसकी प्रॉक्सियर इंडिया और लाइन साउथ एशिया सर्विसेज, जिसके साथ तमाम एग्रीमेंट्स और ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो इस कंपनी के मिनोरिटी शेयर होल्डर्स ने दरवाजा खटखटाया था रेगुलेटर का कि उनकी मंजूरी के बिना, उनकी हामी के बिना, उनके अप्रूवल्स के बिना ये मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट किए गए थे। जांच चलेगी, ठीक है, पर अगर ऐसा है वाकई तो क्या है? मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हमेशा निगलिंग वरी बनते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ उस कंपनी से। तो खैर लिंडे इंडिया लाल रखते हैं, बढ़िया चल रहा स्टॉक है, शायद थोड़ा ठंडा का हो जाए। कल के अच्छे बाजार में वैसे ऑलरेडी ठंडा पड़ा हुआ था, शाम को अपडेट आया। ऐसे ही पतंजलि फूड्स को लाल रख दिया, अपडेट आए थे कि शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं GST बकाए को लेकर। DGGI चंडीगढ़ की तरफ, DGGI हो गया इस केस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, तो अब एलिगेशन आगे कुछ और भी है। खैर पतंजलि फूड्स को अच्छे मूव्स के बाद कल भी थमा है, ऐसे ही लिंडे भी ऑलरेडी थमा था, अपडेट शाम को आया भाई, तो थमा ऑलरेडी है कल के अच्छे बाजार में, तो लाल रखा है आज के लिए। एक रिजल्ट और है जो टीम में मेंशन करना चाहिए, वो है वेसुवियस इंडिया का। ये कंपनी दिसंबर एंडिंग है तो इसका Q1 नंबर आया, इसीलिए Q1 लिखा हुआ है, मार्च क्वार्टर, कैलेंडर ईयर फॉलो करती है। आय में बढ़िया 24 बार चला हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका चार्ट खोल दिया लंबा वाला, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक पिटा हुआ और नतीजे अच्छा आ गए, स्टॉक ऑलरेडी लदा हुआ ईयर हाइस के आसपास नजर आएगा। आय में 24% का जंप है, इबीटा ये देखिए भाई साहब लपक चला हुआ है, आप लोग सिर्फ वॉच आउट करिए, नतीजे बहुत अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं, पर अब कितना ऑलरेडी भाव में ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे ख्याल से सब कुछ भाव में है। आय 24%, इबीटा 78% का जंप, 630 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट, 14.5% से 20.5% के ऊपर, और मुनाफा ऑलमोस्ट 60% का उछाल दिखा रहा है। नंबर सॉलिड है पर स्टॉक ऑलरेडी बहुत फटा हुआ है। और छोड़े जा रहा हूं KEC इंटरनेशनल के साथ, खत्म ही नहीं होता है, ऑर्डर फिर खरीद आ गए इसके अलग अलग, उसमें ऑर्डर्स बैक करें वेरियस बिजनेसेस में 1036 करोड़ रुपए के,
और ये इसका पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्स्टेंट अपडेट होते हैं, अब तो स्टॉक रिएक्ट करना बंद कर चुका है, इसीलिए इससे खबर अच्छी है, रडार पर रखिएगा। बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मुझे नहीं लगता इसके चलते टिक्स आएंगे स्टॉक, पर ग्रीन है आज के लिए स्टॉक। चलिए इस नोट पर 10-10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी ये 10-10 की टीम्स का एक क्विक रैप अप।